प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन की समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी, स्वास्थ्य की स्थितियों पर लेकिन इस साल में ध्यान बनाए रखिएगा। संपत्ति खरीदने में और बेचने में सावधानी रखिएगा। पूरे साल भर अगर आप राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर घर में किसी की मृत्यु किसी दिन हुई तो वो दिन अशुभ हो जाता है। जैसे सोमवार को किसी का देहांत हो गया घर में तो वो कहेंगे सोमवार का दिन अशुभ हो गया, अब कोई शुभ काम सोमवार को मत करो। देखिए, किसी की मृत्यु होने पर दिन पर या ग्रह पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता कि भैया जिसका देहांत हुआ उसका देहांत हुआ मंगलवार के दिन तो अब मंगल ग्रह खराब हो गया, मंगलवार का दिन खराब हो गया। ऐसा आपकी मान्यता है, ऐसा ज्योतिष नहीं कहता है। हाँ, अगर आप चाहें तो जिस दिन किसी व्यक्ति का देहांत हुआ है उस दिन मृत व्यक्ति को श्रद्धा से याद करें, उसके बाद कोई भी काम करें। आप मन में ऐसा सोचते हैं कि ये दिन हमारे लिए बुरा हो गया इसीलिए जब उस दिन काम करते हैं तो काम गड़बड़ होता है, जबकि ऐसा वास्तव में ज्योतिषीय नजरिए से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बहुत सारे माता पिता होते हैं अपनी संतान को लेकर हमेशा चिंता करते हैं। देखिए, माता पिता हैं उन्हें चिंता करने से रोक नहीं सकते, लेकिन चिंता कम कर सकते हैं। कुछ उपाय करें संतान की उन्नति हो, उनकी चिंताएं थोड़ी कम हो। रोज सवेरे भगवान कृष्ण की उपासना करिए, रोज सवेरे भगवान कृष्ण की पूजा करिए, उन्हें पीले फूल अर्पित करिए और संतान के कल्याण की प्रार्थना करिए। ऐसा रोज सुबह करिए और हर बृहस्पतिवार को सुबह आराम से शांति से बैठ करके एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करें तो एक तरफ तो आपके संतान की उन्नति होगी और दूसरी तरफ आपको संतान को लेकर जो चिंताएं रहती हैं वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। अगर आपको बार बार स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा की समस्या हो रही है, तो पाचन तंत्र पर, अपने डाइजेशन पर ध्यान दें। नियमित रूप से उपवास रखें, खूब पानी पिएं और जहां तक हो सके हरी सब्जियों का प्रयोग करें। अगर आप अपने डाइजेशन को ठीक रखते हैं उपायों के द्वारा, खान पान के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, तो इससे आपका पाचन तंत्र निश्चित रूप से बेहतर होगा और त्वचा की समस्या दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।